जो है इस पर्व महाशिवरात्रि पर्व के दिन ये शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, जिसका हम लोग पूजन करते हैं, निराकार लोग भी करते हैं, साकार लोग भी करते हैं, तो इसकी उत्पत्ति शिवरात्रि के दिन हुई थी। और शिवरात्रि के दिन भोले बाबा की शादी भी हुई थी, इसलिए इस पर्व को भक्तगण मनाते हैं, व्रत रखते हैं। जो भी भक्त व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, कांवर चढ़ाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जी। और यहाँ कहाँ कहाँ से श्रद्धालु चलकर आते हैं? श्रद्धालु कई प्रदेशों से आते हैं, आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमीरपुर, जालौन, छतरपुर, बांदा, औरैया, इटावा, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, व मध्य प्रदेश से भी आते हैं, उत्तराखंड से भी भक्त आते हैं। क्या इन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? सारी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि ये कामद शिवलिंग है। यन मूर्धनर लीलाम विद्धात जानवी यन मस्तके कीरत भाल चंद्रमा यह श्रेष्ठ हेताओ भवन त्रिलोचनो लोधेश्वरोशो विजय प्रदोना। आज भी इस शिवलिंग में चंद्रमा का आकार बना हुआ है। इस मूर्ति का जो भी भक्त पूजन करते हैं, चूंकि ये स्वयंभू है और कामद शिवलिंग है, ऐसे तीन ही शिवलिंग पृथ्वी पे हैं, जो नीमसार से चक्र, जो नीमसार में चक्र है उससे समान दूरी पे है, जैसे पहला लोधेश्वर है, दूसरा खेड़ेश्वर है और तीसरा गोकर्णेश्वर है। ये तीन कामद शिवलिंग हैं और इनका जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कांवर चढ़ाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए यह महाशिवरात्रि का पर्व होता है, इसमें मेला लगता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।